टैप के इस बेहतरीन मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हर रोज की तरह उम्मीद करता हूं आपकी तैयारियां बड़े अच्छे से चल रही होंगी और आपके परिवार की सेहत भी बहुत अच्छी होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, शिवानी, शीतल, गुड इवनिंग, और जितने भी साथ साथ आ रहे हैं जी, सभी को जो है कहना चाहूंगा सेशन की शुरुआत से पहले इसे एक बार शेयर जरूर कर दें अपने सभी साथियों के साथ, ताकि हर वो बच्चा हिमाचल का जो पढ़ना चाहता है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, हमारे साथ जुड़कर दोस्तों जो हमारा प्रयास है कि उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी, एक नया ज्ञान और कुछ ना कुछ हम एफर्ट कर सके उसको आगे लेके जाने में। तो साथ साथ अंजलि, सपना, भारत, आयुष, सभी को गुड इवनिंग। और शुरुआत करते हैं आज के विचार से, और बड़ा ही खूबसूरत विचार है दोस्तों। इफ यू ट्रूली लव नेचर, यहाँ पर जो है मैं अपने जो जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो प्रेपरेशंस करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके संदर्भ में कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी पढ़ाई को प्यार करते हैं, यहाँ पर उसे नेचर लिख दिया, इफ यू ट्रूली लव नेचर यू विल फाइंड ब्यूटी एवरीवेयर। तो दोस्तों आपको अपनी ज्ञान का जो प्रकाश है, आपको जो अपनी शिक्षा है, आपकी जो नॉलेज है, जिंदगी के हर क्षेत्र में है, आपको हर कहीं दिखेगी। आप खाना खा रहे हो तो आपको लगेगा कौन कौन से विटामिन्स हैं इसमें, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो उस जगह का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उस जगह का क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्या जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। दोस्तों जिंदगी में कहीं भी ऊपर नीचे सो रहे हैं, बैठे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर ही आपको अपना ज्ञान कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में देखने को जरूर मिलेगा। और यहाँ पर होंगे भी खास तौर पे 4-5 स्टूडेंट्स, तो मैं बिल्कुल श्योर करता हूँ तो वो तो होंगे ही होंगे, जिसमें सपना है या जो है हमारे डॉक्टर साहब हैं 2-3, और जो है डॉक्टर मोनिका हो, डॉक्टर अमित हो, ठीक है, फिर इसके अलावा आदि मानव हो, फिर उसके अलावा जो है नीतीश धमता हो, शिवानी हो। तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे कि हर कहीं जो है उन्हें अब अपना ज्ञान, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जीके है दिखनी शुरू हो भी गई होगी। एंड रुचि, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, इंटेलेक्चुअल हब, और गुड इवनिंग। तो चलते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ, और सबसे पहले जो है बात करेंगे हम इंडिया और यूएई के एक नए इनिशिएटिव की। तो इंडिया और जो यूएई का ये जो नया इनिशिएटिव है, उससे पहले हम देख लें दोस्तों, रिसेंटली यूएई के जो राष्ट्रपति है उनकी डेथ हुई थी और नए राष्ट्रपति वहां बन भी चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको उनका नाम भी जरूर पता होगा, तो मुझे जल्दी से है कमेंट्स में बता दीजिए। तो ये जो नई शुरुआत है, ये शुरुआत को लॉन्च किया है मुंबई में दोस्तों, इसका नाम रखा है इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज। अब किसके लिए स्टार्टअप ब्रिज है, ताकि हम एक दूसरे देश के साथ दोस्तों इंडिया और यूएई बिजनेस को लेकर एक इको फ्रेंडली जो एक एक जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है क्रिएट कर सके, ताकि दोस्तों जो हमारा बिजनेस है जो ऑलरेडी काफी बड़े स्तर पर है, इसे आने वाले दिनों में हम जो है और भी 2 गुना 4 गुना कर सकें। तो उस वजह से मुंबई में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, और जो यूएई के जो मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन टोक अलमरी, मैं रिपीट करता हूं, अब्दुल्ला बिन टोक अलमरी, तो दोनों ने ये मुंबई में जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट 2022 के दौरान इस स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा की है। और खास बात है कि दोस्तों यूएई ने पहली बार इस तरह का जो ब्रिज प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट जो है किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी नेशन के साथ है, वो स्थापित किया है। और इसका जो इन्होंने थीम रखा है दोस्तों, वो रखा है इंडिया यूएई कैपा अनलीशिंग द गोल्डन एरा। यहां पर जो है कैपा का मतलब है कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इन दोनों देशों को है, हमें गोल्डन एरा में है इनका बिजनेस पार्टनरशिप लेके आना है। और इसकी टैगलाइन रखी गई है ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, ताकि एक दूसरे के जो भी स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रीन्योर्स हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ किसी दूसरे शहर में जाकर, एक दूसरे देश में जाकर कुछ काम करना चाहें, किसी भी तरह की बिजनेस को साथ बढ़ाना चाहें, तो उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और साथ ही साथ जो है हम बात कर रहे थे यूएई के जो राष्ट्रपति की, जिसका ऑलरेडी अभी मैं बात कर ही रहा था दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं इसको एक सेकंड के लिए दोबारा से जो है पीपीटी खोलना चाहूंगा, क्योंकि जो एक नई पीपीटी थी उसमें काफी कुछ और भी चीजें नई लिखी हुई थी। हाँ जी, आप सब जल्दी जल्दी बता सकते हैं यूएई के नए जो राष्ट्रपति का नाम, और जो नए बन चुके हैं और नए जो दोस्तों जो है जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उन दोनों का नाम आप मुझे जल्दी से बताएं। साथ ही साथ अब क्योंकि क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को जो आयोजित किया था वो सीआईआई ने किया था, सीआईआई मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किया था। तो उस वजह से आपको उम्मीद करता हूं, उसके बारे में भी 2 ही दिन पहले हमने बात की थी, उसके भी नए चेयरमैन बने हैं संजीव बजाज, और जिनकी डेथ हुई है शेख खलीफा
बिन जायद अल नाहयान और जो नए राष्ट्रपति बने हैं यूएई के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको जरूर याद होगा, कई सारे स्टूडेंट्स ने लिख भी दिया है। यहाँ पर जब भी कोई बड़ा कुछ आते हैं ना मुझे पढ़ना पड़ता है, फिर यहाँ पर भरत भूषण जी लिख रहे हैं सर ये अरब कंट्रीज वाले नाम बहुत छोटा रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा बस पहला जो है शेख खलीफा है और जो नया बना है मोहम्मद बिन जायद है, इसे याद रख लीजिए सारा याद करने की बजाय, तो इजिली आपको याद हो जाएगा। और सीआई के जो प्रेसिडेंट है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं संजीव बजाज उनका नाम है। फिर दूसरी न्यूज पे चलते हैं। दूसरी न्यूज है दोस्तों हमारे जो है हमारी जो गवर्नमेंट ने खासतौर पर जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो के चेयरमैन है, जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मतलब है कि सभी इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी को सलाह मशवरा देती है उसके जो चेयरमैन है डॉक्टर विवेक दिब्रॉय, इन्होंने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है वैसे तो नाम से ही काफी कुछ पता लग रहा है कि इनइक्वालिटी दोस्तों किस चीज की इनइक्वालिटी, कि भारत में जब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशन इश्यूज हैं, उनमें जो इनइक्वालिटी है थोड़ा मैं पढ़ लेता हूं। ये जो रिपोर्ट है इट वॉज रिटन बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड इट्स प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द डेप्थ एंड नेचर ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया। और ये जो रिपोर्ट है इसमें खास तौर पे हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हाउस होल्ड करेक्टरिस्टिक आपका मतलब रहना सहना कैसे है, घर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लेबर मार्केट सेक्टर, इन सभी की जो रिपोर्ट दी है जिसमें भारत में क्योंकि दिन ब दिन गरीब और अमीर का फर्क बढ़ता जा रहा है, मिडिल क्लास भी एक बहुत बड़े स्तर पर है रह रही है। तो दोस्तों यहाँ पर खास तौर पे जो जैसे भारत की अनएम्प्लॉयमेंट है 2019-20 में जो 4.8% थी दोस्तों, और विदे 46.8% वर्क पॉपुलेशन रेशियो, तो जो कोविड के बाद लगातार है इंक्रीज हो रही है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है, किसने लिखी है और दोस्तों ये किस बारे में है, ये तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण है और विवेक दिब्रॉय ने इसे रिलीज किया है जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन साहब हैं। फिर तीसरी जो न्यूज है उससे पहले जो है हेलो हाँ जी कमल जो है गुड इवनिंग और विनय मोहन क्वात्रा हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है वेरी गुड। और दोस्तों चलते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज भी बड़ी जो है जबरदस्त है, बड़ी जो है अनोखी है क्योंकि आज तक हमने जो है एयरपोर्ट सुने थे जहां पर जहाज आया जाया करते थे, लेकिन अब यूके में दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट उसकी शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम रखा है दोस्तों पॉपअप एयरपोर्ट एयर वन। मैं रिपीट करता हूं नाम है पॉपअप एयरपोर्ट एयर वन। और यहां पर जो है कौन आया करेगा दोस्तों, यहां पर आया करेंगे ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स दोस्तों, उड़ने वाली गाड़ियां और जो है ड्रोन्स जैसे आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर जैसा लग रहा है लेकिन ये गाड़ियां होंगी दोस्तों जो उड़ेंगी। तो इनके लिए दुनिया का पहला इस तरह का एयरपोर्ट है वो कि यूके की जो दोस्तों कोवेंट्री सिटी है, मैं रिपीट करता हूं इस शहर का नाम कोवेंट्री। तो यहां पर ये जो इसको जो है शुरू किया गया है कोवेंट्री सिटी काउंसिल एंड अर्बन एयरपोर्ट लिमिटेड यूके बेस्ड स्टार्टअप पार्टनर टू सेट अप वर्ल्ड फर्स्ट अर्बन एयरपोर्ट, नाम रहे पॉपअप एयर वन। और इसका जो एम है ताकि शहरों में खास तौर पे जहां पर दिन बे दिन भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है एयरपोर्ट्स के ऊपर और दोस्तों मेट्रोज के ऊपर, वैसे ही वहां पर इसे मेट्रो नहीं वहां ट्यूब बोलते हैं लंदन में, तो वहां पर जो पोल्यूशन लेवल है कम किया जा सके, भीड़ कम की जा सके, तो इस वजह से यहां पर इसकी शुरुआत की गई है पॉपअप एयरपोर्ट एयर वन और ड्रोन्स और फ्लाइंग कार्स के लिए इसकी शुरुआतें होंगी। तो अगर देखो भारत में भी हो सकते हैं भविष्य में 10-15-20 साल में ऐसा कुछ हो जाए तो आप जो है बैठे हैं धर्मशाला में, आप बैठे हैं शिमला में और आपको चंडीगढ़ आना है तो इस फ्लाइंग कार में उड़ के आप सीधा यहाँ पर आ गए सेक्टर 36 में, ठीक है। और दोस्तों वैसे अभी अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए जैसे अब हमको इस डिजिटल क्लासेस की वजह से इंटरनेट की वजह से घर में बैठे बैठे आप हर रोज जो है करंट अफेयर देखते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप जो है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, मतलब ये मैं बड़े थोड़ी दूर की बात कर रहा हूँ 15-20 साल, कि आपके घर में सभी के घर में एक फ्लाइंग कार है और आपको शाम को 5 बजे यहाँ पर आके अपना बैच लगाना है तो आप दोस्तों 4:45 या 15-20 मिनट पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और दोस्तों फ्लाइंग करते हुए आप 36 में आ गए हैं, यहाँ पर क्लास लगाई और फिर 15 मिनट में आप कांगड़ा में, चंबा में, जहां से भी आप हैं वहां पहुंच गए और फिर आप अपने घर का खाना खाया और सो गए। तो ये भी भविष्य में पॉसिबल है जब 300-400 किलोमीटर का सफर आप 10-15 मिनट में कर पाएंगे। हाँ जी ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। और जो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों ये जुड़ी है हमारे एक नए जो है एंटी शिप मिसाइल से। हाँ जी, तो ये इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने जो है मिलकर दोस्तों ये
एक नया टेस्ट किया है, ठीक है, एनपीशिप। मैं जब ये बना रहा था, मैं सोच रहा था कि स्टूडेंट्स को दिखाऊं मैं, और इसीलिए मैंने ये लिंक जो है, लिंक इसका उसी टाइम कॉपी कर लिया था। तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एनपीशिप मिसाइल, और खास बात है कि इसकी जो टेस्टिंग की गई है ना, हाँ जी, जो इसकी यहाँ पर, हाँ जी, जो इसकी टेस्टिंग की गई है, तो वो की गई है खासतौर पे हेलीकॉप्टर से। तो हेलीकॉप्टर से जो है मिसाइल जो है दोस्तों, वो है फायर की जाएगी, और फिर जो है जो शिप जो इन्होंने, क्योंकि उड़ीसा में बालासोर जो कोस्ट है वहीं पर इसकी टेस्टिंग की थी, मैं चाहूंगा कि आप उसको नजारे को भी देखें, ठीक है, ताकि पता लग सके आपको भी कि किस तरह से ये जो टेस्टिंग की जाती है। हमने ब्रह्मोस का रिसेंटली एंटी शिप देखा दोस्तों, एरोप्लेन पे देखा। तो यहां पर जो है मैं एक सेकेंड सभी स्टूडेंट्स को दिखाना चाहूंगा एंटी शिप। तो रिसेंटली हुआ हाँ जी, वैसे तो आप खुद भी देख सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये दिखाना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर जो वीडियो है उसको मैं, पता नहीं आपको कितना दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों जो है, यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर है, और हेलीकॉप्टर से है जो है आपको जो है दूसरे हेलीकॉप्टर में है उसका पूरा वीडियो बनाया जा रहा है, और जो है आपने हेलीकॉप्टर से ये जो मिसाइल, क्योंकि भारत में पहली बार इस तरह की टेक्नोलॉजी है ये यूज की गई है। हालांकि इतना शायद क्लियर नहीं दिख पा रहा है, मैंने लिंक दिया हुआ है इसको, आप देख सकते हैं बाद में, ये लिंक मैं आपसे शेयर कर ही दूंगा। तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे जो है आप हेलीकॉप्टर से विदेशी जो भी आपकी दुश्मन जो शिप्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट जो है आप अटैक कर सकते हैं। और इसको बनाने में इंडियन नेवी का जो साथ दिया है, खासतौर पर वो डीआरडीओ के साथ ही साथ, जस्ट ए मिनट, हाँ जी, डीआरडीओ के साथ साथ जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विद द इंडिजीनियस डेवलप्ड एयर लॉन्च नेवल एंटी शिप मिसाइल। और दोस्तों इसकी जो टेस्टिंग की गई है वो की गई है 42B हेलीकॉप्टर, ये जो हेलीकॉप्टर है जिससे इसकी टेस्टिंग की गई, एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन बालासोर उड़ीसा। आप तो पता भी होगा आपको, जितने भी भारत में मिसाइल टेस्टिंग की जाती है वो उड़ीसा के जो है अब्दुल कलाम आइलैंड से ही की जाती है, और इसकी भी इसी जो है दोस्तों ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसकी टेस्टिंग की गई। और खास तौर पे यहां पर दोस्तों मिसाइल इज फिटेड विद मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज, जिसमें खास तौर पे पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिजीनियस बिल्ड है। इंडिजीनियस का मतलब है देश में ही बनी हुई है, और जिससे कि भारत का जो आत्मनिर्भर का जो प्रोजेक्ट है, या फिर हम जो मेड इन इंडिया की बात करते हैं, उसको भी एक बड़ा बल मिलता है। यहाँ पर खास तौर पे किस हेलीकॉप्टर से की गई है, और दोस्तों कहाँ से की गई है, और दोस्तों ये एंटी शिप मिसाइल है, मतलब शिप जो है दुश्मनों के शिप्स को है ये तहस नहस करती है, और ये सभी जो चीजें हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। फिर आगे भी जो है हमारे डिफेंस से जुड़ा एक और प्रश्न हमने लगभग 2-3 महीने पहले पढ़ा था, इस जो हमारे ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसका नाम है हंसा NG। तो भारत में पहली बार है कि ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि ट्रेनिंग देने के लिए बनाया हो वो पूरी तरह से 100% भारत में ही बना हो। तो इसके दोस्तों जो अभी लास्ट के कुछ टेस्टिंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और भारत का ये पहला इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है अब पूरी तरह से है, भारत के ट्रेनर्स को, भारत की जो डिफेंस में जो लोग आगे जाकर अपना पायलट बनना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये रिसेंटली जो इसकी टेस्टिंग जो लास्ट फेसेस में की गई वो की CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। तो इन्होंने दोस्तों इसे डिजाइन किया है, डेवलप्ड किया है, और अब इसकी पूरी टेस्टिंग के बाद जो है, जो कि रिसेंटली चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका में है वहां पर इसकी की गई। तो पूरी तरह से टेस्टिंग के बाद अब बड़ी जल्दी इसको भारतीय सेना में इंक्लूड भी कर लिया जाएगा। तो कुछ और जैसे इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर, जैसे कि अब इसकी जो लास्ट टेस्टिंग है लगभग जो है 7,000 से 8,000 जो फिट एल्टीट्यूड के ऊपर जो इसको उड़ाया गया, और दोस्तों लगभग 70 से जो है 60 से 70 नोट्स की जो स्पीड रेंज से उसे उड़ाया गया, जो कि पूरी तरह है कामयाब रहा। और इसका जो नाम है मैंने जो है हंसा NG, जिसका कभी कोई कुछ इस तरह का फुल फॉर्म भी नहीं है, तो डायरेक्ट आपको नाम पता होना चाहिए हंसा NG। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है नागालैंड से जुड़ा हुआ। नागालैंड में जो असम राइफल्स और एक्सिस बैंक और नाइडो, नाइडो का मतलब है नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
तीनों मिलकर दोस्तों एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस है खोलना चाहती हैं, और ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है इसका मेन पर्पज होगा कि नागालैंड के बच्चे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक फुली फ्लेज हॉस्टल की जो 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 सुविधा है, साथ ही साथ अच्छे टीचर्स की जो सुविधा है वहां पर उन्हें प्रोवाइड की जा सके। और ये तीनों जो कंपनीज हैं, मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, असम राइफल्स, एक्सिस बैंक और नाइडो, तो इन्होंने एक जो है एमओयू साइन किया है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, नागालैंड के ही एक पूर्व ऑफिसर जिनका नाम है लेट कैप्टन केनगो केनगू रूस, मैं रिपीट करता हूं क्योंकि नागालैंड का नाम है, लेट कैप्टन एन केनगू रूस जो है इनके नाम पर ये रखा जाएगा। और इसका पूरी उम्मीद है इन्हें कि अभी जुलाई 2022 से है पहला बैच है, 30 बच्चों की ट्रेनिंग है वो शुरुआत भी हो जाएगी। हाँ जी, नाम याद रखें एन कैनगुरियस, और इसका जो मकसद है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बच्चों को अच्छे तरीके से तैयारी करना है। फिर जो है आगे बढ़ने से पहले कभी कभार जैसे कल या परसों कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, भरत भूषण जी कह रहे थे यार लग रहा है कि सर बहुत जल्दी में लग रहे हैं। ठीक है, आजकल ना स्टूडेंट जो न्यूज इतनी ज्यादा होती है, इतना ज्यादा कंटेंट होता है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं विदाउट एनी जो 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 मतलब लगातार पढ़ूं फिर जाकर वो कहीं जाकर 40-45 मिनट में न्यूज खत्म होती है। इस वजह से जो है एक्स्ट्रा ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती, तो ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों कई दिन से हम बात कर रहे थे बर्ड्स के बारे में, और आज एक बर्ड फेस्टिवल की बात करेंगे जो अभी जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो इसे जो ऑर्गेनाइज करने वाली है, और खासतौर पे उसके दो शहर चुने गए हैं जम्मू कश्मीर के, जिसमें एक पहलगाम है और दूसरा डेचीगाम है। और ये पहलगाम और डेचीगाम में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा वहां की गवर्नमेंट द्वारा, टूरिज्म डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट द्वारा, ताकि दोस्तों वहां पर भी दोबारा से बहुत सारे जो पंछी जो पिछले कई जो सालों से है जिनकी संख्या कम हो रही है उनकी कंजर्वेशन को लेकर या उनके जो है फीड को लेकर है यहाँ पर जो है इंतजाम किए जाएं। एंड सपोर्ट ऑफ सेंचुरी नेचर फाउंडेशन विल कंडक्ट प्री फेस्टिवल बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स फॉर मोर देन ए मंथ ऑल अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पिछले 3-4 महीने में हमने देखा बर्ड एटलस की बात की केरला से जुड़ी हुई, अभी रिसेंटली हमने बर्ड से जुड़ी एक जो दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने जिनको काम दिया गया था लगभग भारत के 8-9 स्टेट्स में कि अगर आपको कोई भी नई बर्ड स्पीच दिखे तो आप स्पेसिफिक वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। या फिर हमने कल तमिलनाडु की 17वीं बर्ड सेंचुरी के बारे में भी बात किया, उम्मीद करता हूँ आपको उसका नाम जरूर पता होगा। हाँ जी ठीक है, और यहाँ पर भरत कह रहे हैं कि सर आजकल आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी रहती होंगी। हाँ जी, तो तभी टाइम, हाँ जी तो ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं रहती भरत भूषण जी, लेकिन ऑनलाइन में ही बहुत क्लासेस रहती हैं। ठीक है, और जो है उस वजह से थोड़ा सा जो जरूर हो जाता है। तो अब जैसे अभी ले लीजिए, अभी सैटरडे है, ठीक है, अब सारे जो जो टीचर्स जा चुके हैं, अब मैं जो ले रहा हूँ क्लास, और क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हिमाचल में, चाहे वो मंडे हो चाहे वो सैटरडे हो, इंतजार तो जरूर करते होंगे शाम को 6:15 का कि आज जो है कुछ 8-10-12 जरूर जो है नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चंस। और डेफिनेटली मैं भी जो है उतनी ही शिद्दत से है कोशिश करता हूं कि आपको भी निराश ना करूं और कोशिश करूं कि जी बेहतर से बेहतर कंटेंट है हमारी टीम द्वारा आपको दिया जा सके। तो वेरी गुड अभिषेक, जो है नंजा नारायण जो बर्ड सेंचुरी है मैं उसी की बात कर रहा था, ठीक है, जो तमिलनाडु की 17वीं जो है बर्ड सेंचुरी है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उड़ीसा से, तो उड़ीसा में वहां की सरकार का और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके बीच तनाव पैदा हो चुका है। अभी तनाव क्यों है, तनाव इसलिए है क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है दोस्तों इसने कहा है कि उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट जो उनका अपना प्रोग्राम है, जो पूरी हेरिटेज कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है, हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट का मतलब होता है दोस्तों जब आप किसी भी स्पेसिफिक स्थान के, मान लीजिए कोई मंदिर हो गुरुद्वारा हो, तो उसके आसपास का बहुत बड़ा जो इलाका है अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसकी जो है आप अपनी जो है डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई उड़ीसा गवर्नमेंट ने ना ही तो प्रॉपर जो है हर चीज का लाइसेंस लिया है, और जो स्पेसिफिक जो प्रोटेक्टेड एंड कंट्रोल्ड एरियाज हैं मॉन्यूमेंट्स को लेकर, और वो अपने तरीके से ही इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और इस वजह से अब ASI डिपार्टमेंट ने जो है दोस्तों कोर्ट में एक PIL जो है हमारी
एक पिटीशन है वो वहां पर जो है उनके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, डाल दी है। अब इसके बारे में फैसला है माननीय कोर्ट के ऊपर होगा। यहां पर पूरी हेरिटेज कॉरिडोर की बात करें दोस्तों, तो ये इसका जो मकसद है वो साफ है, ताकि पूरे के पूरे शहर को है ट्रांसफॉर्म किया जा सके। और ये जो प्रोजेक्ट था इसमें सिर्फ और सिर्फ मंदिर की डेवलपमेंट ही नहीं, इसमें चाहे वो पूरी लेक की बात हो या म्यूसा रिवर की बात हो, उनका रिवाइवल भी इसी प्रोजेक्ट में है, करना है। और अगर हम जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करें दोस्तों, ये जो हमारा 12वीं शताब्दी का ये बना मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, उस टाइम पीरियड में किंग अनंत वर्मन देवाजी ने, जो कि गंगा डायनेस्टी से जुड़े हैं, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। जगन्नाथपुरी टेम्पल जिसको यमनिका तीर्थ भी बोलते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, इसका एक और नाम है यमनिका तीर्थ, जो है दोस्तों हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग, जिसका मतलब है पावर ऑफ यम, जिसका मतलब है कि अगर किसी की मृत्यु भी आती हो तो यहाँ पर दर्शन करने से, यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक जो है बैठने से उसका जो मृत्यु भी है उसका संकट भी खत्म हो सकता है। और ये एनुअल अपनी रथ यात्रा के लिए है, बड़ा फेमस है। और यात्रा से अब जल्दी से मुझे पता है 4-5 स्टूडेंट जल्दी से मुझे उन चौराइट्स की नई लकड़ी का नाम बता देंगे जिनके साथ है दोस्तों इस साल का रथ यात्रा पूरी करनी है। तो पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट उड़ीसा की है, ये न्यूज है। फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये जो हमारे 2014 के नोबल प्राइज विनर है, आपको याद होगा पीस में उन्हें प्राइज मिला था कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ ज्वाइंटली, तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अम्ब्रेला बॉडी है ICPF, इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम। तो इन्होंने जो अभी रिसेंटली दोस्तों बिल प्रपोजल हुआ था गवर्नमेंट द्वारा पार्लियामेंट में, जिसमें लड़कियों की उम्र जो शादी है वो 18 से 21 साल करने का प्रस्ताव है, उसका अपोज किया है। और इसका अपोज जो है कैलाश सत्यार्थी या इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम क्यों कर रहे हैं, उसका बड़ा रीजन ये मान रहे हैं क्योंकि बहुत सारी भारत में शादियां ऐसी होती हैं जो कि जो आपके जो घर वालों के अकॉर्डिंग या उनके विपरीत जाकर होती हैं। तो यहां पर जो है उनकी दोस्तों जो पावर है, पेरेंट्स की जो पावर है या उनके रिश्तेदारों की पावर्स है, अगर कोई भी ऐसी लड़की एग्जाम्पल के तौर पर 18, 19 या 20 में घर वालों के विपरीत जाकर शादी करेगी, तो यहाँ पर उसके घर वालों को या फिर हमारी एक जो पेट्रियार्चल जो सोसाइटी है या जो हम कह देते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसको ज्यादा बल मिलेगा और लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार है और बढ़ सकेंगे। तो जिसके लिए ये ICPF जो इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम है वो इसे अपोज कर रहे हैं। वैसे आपके अकॉर्डिंग आपका जो है क्या मुद्दा है, आपकी क्या सोच है इसके बारे में, साथ साथ आप भी जरूर मुझे बताएं, ठीक है। और फासी वुड बिल्कुल ठीक लिखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स सही उत्तर देते हैं, खासतौर पर जब 2-3 महीने पहले की न्यूज हो। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से आपका विचार सुनने के साथ साथ मैं भारत के जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनके नाम काउंट कर देता हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर, फिर थे दोस्तों सीवी रमन, फिर हमने देखा यहाँ पर जो है हरगोविंद खुराना जी हैं, फिर उसके बाद हमने देखा मदर टेरेसा को हम काउंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हम बात करेंगे हमारे जो सी सुब्रमण्यम जी की फिजिक्स में मिला था, फिर हम बात कर सकते हैं अमर्त्या सेन की, फिर हम VS नायपॉल की बात कर सकते हैं, फिर हम VS वेंकट रामास्वामी की बात कर सकते हैं जिन्हें 2009 में केमिस्ट्री में मिला था काम, तो वो ऐसा नासा के लिए कर रहे थे, फिर कैलाश सत्यार्थी है, और 2019 में बैनर्जी साहब है जिनको इकोनॉमिक्स में मिला था। तो ये सारे के सारे हमारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं, ठीक है। आई होप सो आपको जो है इनके नाम नहीं भी याद तो आप जो है इनको रिवाइज जरूर करते रहे। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मोनिका, हाँ जी, आपको तो मैं भी प्रणाम करता हूँ, ठीक है। आप जो है हर प्रश्न से, मतलब मैं मुझे लगता है आज के जो थॉट है वो आप पर बिल्कुल सही बैठते हैं। आप ना कहीं भी कुछ देखते होंगे, ठीक है, आप सड़क पे भी निकलते होंगे तो आपको ऐसे ध्यान आता होगा कि सड़क का निर्माण किसने करवाया, सड़क कैसे बनती है, कौन कौन से जो है कंटेंट इसमें यूज होते हैं, ठीक है। कहीं भी कुछ भी देखते होंगे, आपकी तैयारी हर वक्त ऐसी चलती ही रहती होगी। चलो चलते हैं हम आगे, ठीक है, और जो है हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। फिर अगली जो न्यूज है वो जुड़ी है पेंगोंग लेक से जुड़ी हुई, जो कि लद्दाख में है। तो दोस्तों आप सबको पता है भारत और जो चाइना के बीच जो हमारी बाउंड्री है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों हमारी PLA है, हमारी तो नहीं चाइना की है, जो पीपल लाइब्रेशन आर्मी, मतलब जो PLA हम बोलते हैं चाइना की आर्मी को, वहां पर वो एक ब्रिज बनाने जा रही है। दोस्तों मान लीजिए ये लेक है और ये जो हमारा जो है LAC है, तो यहाँ पर जो ब्रिज बनाकर, ठीक है,
दोस्तों वो होगा क्या कि आने वाले वक्त में जो ये रास्ता, मतलब कल को अगर वहां पीएलए चाइना की आर्मी एलएसी तक आना चाहे, जो दोस्तों लगभग 25 किलोमीटर का जो रास्ता है, ठीक है, वो अब जो है लगभग बहुत ही कम समय में, यहां पर लिखा है कि जो 12 घंटे का रास्ता है वो सिर्फ 3 या 4 घंटे में ही जो है चाइना की आर्मी कवर करके एलएसी तक है, भारत और चाइना की बाउंड्री तक है वो पहुंच सकती है। तो इस वजह से भारतीय गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाया, लेकिन इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अगर किसी भी तरह का भारत को यहाँ पर अपना इश्यूज कोई दिखाई दिया या भारत को किसी भी तरह का एनवायरमेंट इशू हुआ तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये मुद्दा काफी गर्मरा जाए। तो पैंगोंग लेक वैसे तिब्बत में है, लेकिन आप सबको पता है जो तिब्बत है वो किसके कंट्रोल में है, वो चाइना के कंट्रोल में है जी। फिर अगला जो क्वेश्चन एनडीबी से जुड़ा है, यहाँ पर जो है सारा लिख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ, तो यहाँ पर जो है इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन जंस्कार एंड लद्दाख रेंज, वेरी गुड अभिषेक। और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा, सेहा टनल अरुणाचल प्रदेश और एंड इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। हाँ जी ठीक है, साथ साथ बच्चे जो उनको पता है साथ साथ बताते ही जा रहे हैं। तो चलते हैं हम हमारे एनडीबी, ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स को एक और साथ बोलना चाहूंगा कि नजर मत लगाओ मोनिका कपिल को, ठीक है, आप जो है बस जिस दिन वो बन गए उस दिन जो है सारे उनको बधाई जरूर दे देना, ठीक है। तो मुझे लगता है बनने से पहले जो है एप्रिसिएशन से ज्यादा बेटर होता है कि आप उसके लिए जो है आप जो है प्रे करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसके लिए अच्छी भावना रखें और अपने लिए भी रखें। और मैं मोनिका को भी कहूंगा कि आप भी बाकी स्टूडेंट्स के लिए है अच्छी भावना रखें, सभी स्टूडेंट्स से अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, यही जो है मुझे लगता है हमारी एक दूसरे के लिए इच्छा और दोस्तों यही इंटेंशन होनी चाहिए। तो चलते हैं जी, और यहाँ पर जो है हाईलाइट्स भी तो आपने ही, हाँ जी बिल्कुल विक्रम ठाकुर, लेकिन नजर लगाने को नहीं कहा था, हाँ जी। तो यहाँ पर एनडीबी की बात करेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो दोस्तों जो जो कई साल पहले ब्रिक्स का अपना एक बैंक है उसने बनाया था, ब्रिक्स कंट्रीज जिसमें भारत है, ब्राजील जिसमें भारत है दोस्तों, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। तो अब वो अपना एक रीजनल ऑफिस है गुजरात में बनाने जा रहे हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ आपको बता दूं, चाइना में ये दो बड़े बैंक बने थे पिछले 5-7 साल में, उसमें से एक एआईआईबी है और दूसरा एनडीबी है। एआईआईबी तो अभी न्यूज में भी पड़ा था क्योंकि उसके जो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो भारत के ही फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर बने थे, उनका नाम जो है उर्जित पटेल है। और अब एनडीबी की बात करें तो दोस्तों इसका जो अपना रीजनल सेंटर है वो गुजरात में खोलने जा रहे हैं फॉर फंडिंग एंड मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ताकि दोस्तों जो हमारे देश में और बांग्लादेश में जितने भी एनडीबी द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर नजर रखी जा सके। और इसकी जो शुरुआत ऑलरेडी बता चुका हूं 2013 में हुई थी और 2015 में इसे लॉन्च कर दिया गया था 6वीं ब्रिक्स समिट के दौरान जो कि ब्राजील में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है एनडीबी का वो शंघाई में है जो कि चाइना में। यहाँ पर खास तौर पे बता दूं, अगर आप कोई भी क्लेरिकल लेवल का एग्जाम देते हैं तो एनडीबी का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ज्यादातर दोस्तों एनडीबी का फुल फॉर्म में एक ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट एन पर। एन का मतलब हमेशा याद रखना न्यू है, ना कि नेशनल है। तो नेशनल डेवलपमेंट में आप कंफ्यूज नहीं होना, तो इट स्टैंड फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स जो है बैंक भी बोल देते हैं। और जो है इस पे एग्रीड 2013 में हुए थे पांचों कंट्रीज, और 2015 में इसे जो है चाइना के शंघाई शहर में खोल भी दिया गया था। तो इसी के साथ आज के समाचार हमारे खत्म। अब इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं डिस्कशंस को लेकर, इन्हीं न्यूज को लेकर है हम एमसीक्यूज है वो बात करेंगे, उसके बारे में बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। लेकिन यहां तक का आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं आया जल्दी से एक बार जरूर बता दें, और सेशन को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दें। बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है आज अपना सैटरडे सैटरडे कर रहे हैं, लगभग 10-15 बच्चों की कमी भी आज जो है दिखाई दे पड़ रही है। हाँ जी, तो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, तो कमल उसका जो ओल्ड नेम ऑफ एनडीबी कुछ नहीं है, ब्रिक्स बैंक बोल दो या न्यू डेवलपमेंट बैंक बोल दो, कोई भी इसका पुराना नाम ऐसा कुछ नहीं है जी। ठीक है, तो ऑल क्लियर है? हाँ जी हाँ जी, ऑल क्लियर है तो जल्दी से लिख दीजिए और सेशन शेयर लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें आगे बढ़ाने से पहले। हाँ जी ठीक है, और हाँ जी, फर्स्ट एशियन कंट्री ज्वाइन नाटो साउथ कोरिया। हाँ जी मोनिका, कुछ ही दिन पहले बात की थी साउथ कोरिया जिसने साइबर क्राइम को लेकर जो ऑर्गेनाइजेशन नाटो की उसको ज्वाइन कर लिया है। हाँ जी ठीक है, तो चलते हैं हमारे एमसीक्यू सेशन की तरफ। तो चलते हैं जी, पहला प्रश्न, पहला जो क्वेश्चन है वो जुड़ा है हमारा
हाँ जी, पहला जो प्रश्न जुड़ा है हमारा स्टार्टअप ब्रिज। तो ये जो स्टार्टअप ब्रिज है, भारत ने जो है विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च, तो किसने जो है अभी भारत के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट 2022 के लिए भारत के साथ ये एग्रीमेंट किया है, ये स्टार्टअप ब्रिज है उसे सेटअप किया है ताकि हम दोनों देशों के ऊपर जो व्यापार है वो इंक्रीज किया जा सके और आने वाले वक्त में है हम ज्यादा से ज्यादा है मौके दे सकें जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ जी ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज यूनाइटेड अरब अमीरात। दूसरा प्रश्न जुड़ा है, और दूसरा प्रश्न जुड़ा है हमारे स्टेट ऑफ इनक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट से। सबसे पहले बताना चाहता हूं यहां पर हमें बताना है कि इनकरेक्ट क्या क्या है। तो नीति आयोग ने इसे रिलीज किया है स्टेट ऑफ इनक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट को, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस ने है रिसेंटली दोस्तों जिसको लिखा है। दूसरा, भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2019-20 में 4.8% था, जो कि 46.8% जिसमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो थी। और तीसरा, ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये इनक्वालिटी जो कि हेल्थ में, एजुकेशन में, हाउस होल्ड करेक्टरिस्टिक एंड लेबर मार्केट सेक्टर में है, भारत में अलग अलग क्षेत्रों की जो लोगों में इनक्वालिटी है उसको दर्शाती है। तो इसमें गलत कौन कौन सा है जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं, सिर्फ पहला दूसरा, पहला और दूसरा या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज ए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पहला ही पॉइंट इसमें गलत है। यहां पर वैसे तो हर रोज मैं बात करता ही हूं, कभी कभार ना मैंने भी देखा है, मैं भी करियर वैसे होता है कभी कभार कि मुझे भी इनकरेक्ट या करेक्ट है नहीं देख पाता। तो खास तौर पे मैं उन स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों, ये ह्यूमन एरर है, और खास तौर पे जब आप एग्जाम देते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये एक शिकायत रहती है कि सर हम 2-4 मार्क्स से हैं अपने एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो वो 2-4 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे इस तरह के छोटे छोटे ये जो पॉइंट्स हैं जहां पर हमें आता सब कुछ है लेकिन हम क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ने की वजह से है 2-4 नंबर हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये ध्यान से जरूर पढ़े, और इनकरेक्ट या करेक्ट है ये उनमें से एक एग्जाम्पल है मैं आपको दे रहा हूं। हाँ जी ठीक है, और यहाँ पर अभिषेक लिख रहे हैं कि जी मैं बता रहा हूँ लेक तसो मुरारी और सुफलता। हाँ जी ठीक है, तो अभी जो है हमारे उस क्वेश्चन को लेकर है काफी चिंतन चल रहे हैं। फिर तीसरा प्रश्न, वर्ल्ड का पहला अर्बन एयरपोर्ट जो है ड्रोन्स और फ्लाइंग कार्स के लिए बनाया गया वो दोस्तों जो है कौन से शहर में उसकी शुरुआत हुई है। तो जापान के ओसाका, रशिया के समारा, इंग्लैंड के कोवेंट्री या वियतनाम के मोक चाओ। तो इसका जो सही उत्तर है साथ साथ जल्दी से जरूर दे दीजिए, और वेरी गुड अभिषेक, और सही उत्तर है जी इंग्लैंड, यूके का कोवेंट्री ऐसा पहला शहर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है पहला जो है भारत का नेवल एंटीशिप मिसाइल है इसको जो है टेस्टिंग की है अलोंग विद इंडियन नेवी। दोस्तों अब जो है ऑब्वियसली बात है इंडियन नेवी तो होगी ही होगी, एंटीशिप मिसाइल की बात कर रहे हैं, और ये जो टेस्टिंग है आईटीआर बालासोर उड़ीसा में की गई। तो इसरो ने किया है ये टेस्ट, भारतीय नेवी के साथ मिलकर एचएएल ने किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है, डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, तो अगर आप जो है काफी टाइम से पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, आप जो है पूरी नजर लगा के बैठे हैं, तो अपने आप कॉमन सेंस से भी इसका उत्तर दे सकते हैं कि इसके लिए डीआरडीओ ने दोस्तों टेस्ट फायर किया है, और डीआरडीओ ने ये जो किया है उड़ीसा के बालासो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका पूरी तरह से निरीक्षण किया था। फिर पांचवा क्वेश्चन, भारत का पहला इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट जिसका नाम हंसा एनजी है, जिसको सक्सेसफुली दोस्तों उसको टेस्टिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आप बताएं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हंसा एनजी एयरक्राफ्ट का निर्माण किया है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल बोल देते हैं, सीएसआईआर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड या डीआरडीओ। हाँ जी ठीक है, और वेरी गुड, और साथ साथ जो स्टूडेंट्स उत्तर दे रहे हैं, और इसका सही उत्तर बी इज द ऑप्शन दोस्तों, साइंटिफिक जो है सेंट्रल साइंटिफिक जो इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है, रिसेंटली इसका पूरी तरह से कर्नाटका में है टेस्टिंग अब कंप्लीट कर ली है, और बहुत जल्दी है भारतीय नेवी इंडियन जो है एयरफोर्स के और आर्मी के लोगों को ये अपनी ट्रेनिंग है देना शुरुआत कर देगा। फिर असम राइफल, एक्सिस बैंक और नाइटो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने रिसेंटली एक नया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड वेलनेस है खोलने का जो दोस्तों जो निश्चय किया है, भारत के कौन से स्टेट में किया है, और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खास तौर पे ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होगा, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होगा दोस्तों जहां पर जो है बच्चे अपने अलग अलग, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस हो, तो उनके लिए एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज द नागालैंड। काफी सारे स्टूडेंट्स ने भारत, विशाल, पूर्वा, साहिल, राजपूत, अंजलि, बहुत सारे स्टूडेंट ने उत्तर भी दे ही दिया है। फिर सातवां प्रश्न, फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल जो है भारत में, इसे कौन सी स्टेट या यूटी है ऑर्गेनाइज करने वाली है।
केरला, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर या मध्य प्रदेश? इसका जो सही उत्तर है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। फिलहाल तो ये यूटी ही है, रिसेंटली हमने पढ़ा था। अब विधानसभा की भी एग्जिस्टेंस बड़ी जल्दी से हो जाएगी। आप जल्दी से मुझे वो जो डिलिमिटेशन कमीशन था उसके चेयरमैन और जम्मू और कश्मीर को कितनी कितनी सीट्स आएंगी पैरेलली, वो भी जल्दी से मुझे आप बता सकते हैं। आठवां प्रश्न, यमनिका तीर्थ जो है इनमें से कौन से मंदिर को है लोग अपने दोस्तों जो बोलते हैं, लोगों की जो श्रद्धा है, यमनिका तीर्थ किस मंदिर के बारे में बोलते हैं? जगन्नाथ टेम्पल, विजाला विट्ठल टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल या नन ऑफ द अबव? हाँ जी, जल्दी से बोल दें। और वहां पर अगर बात करें साहिल ठाकुर, 43 जम्मू, 47 कश्मीर, और रंजना प्रकाश देसाई है उसका नाम हुआ करता था। और यहाँ पर जो जगन्नाथ में जो दोस्तों पुरी जो पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है और उसको यमनिका तीर्थ भी बोलते हैं, जो कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। यम जो यम को भी मतलब जो आपकी जो मौत भी अगर आई है उसको भी खत्म करने की जहां पर शक्ति रखते हो। और इसकी जो शुरुआत है निर्माण है 9वीं सदी में गंगा डायनेस्टी के जो राजा ने इसको निर्माण करवाया था। फिर 9वां प्रश्न, ICPF से जुड़ा है, इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम, तो यहाँ पे ये सपोर्ट करती है, मैं रिपीट करता हूँ, ये सपोर्ट करती है ताकि जो भारत में लड़कियों की एज है जो इंक्रीज की जाए। और ये ICPF एक अम्ब्रेला बॉडी है दोस्तों चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि नोबल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी द्वारा लॉन्च की गई थी। तो आप बताएंगे इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट, हाँ जी ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा है दोस्तों? पहला है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं, वो इसके अगेंस्ट में है, वो काम कर रही है इसके अगेंस्ट है, वो अपना विचार दे रही है। फिर 10वां क्वेश्चन, पैंगसोंग त्सो लेक है, ये भारत के कौन से यूटी या स्टेट में स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, उत्तर दे ही देंगे, लद्दाख में स्थित है, जहां पर दोस्तों LAC जो है हमारी है और इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है पीपल लिबरेशन आर्मी द्वारा। और 11वां जो क्वेश्चन है NDB से जुड़ा है, NDB से जुड़े ये तीन पॉइंट्स दोस्तों 2013 में जो कि साउथ अफ्रीका में समिट हुई थी डरबन में, वहां पर इसके लिए एग्रीड हो गए थे सारे के सारे कंट्रीज। 2015 में है इसकी शुरुआत कर दी थी दोस्तों ब्राजील के फोर्टालिजा, जो जब समिट हुई थी इसको लॉन्च कर दिया था, और इसका जो हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। तो यहां पर बताएं करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा, पहला और दूसरा, या फिर सारे ही इसमें करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव? हां जी ठीक है, तो जल्दी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दैट इज सी, पहला और दूसरा ही ठीक है। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में स्थित है और 2013 में है इस पर एग्रीड हुआ और 2015 में है इसकी शुरुआत कर दी थी और चाइना में है जो इसका हेडक्वार्टर भी सेटअप कर दिया था। तो इसी के साथ जो है आज के समाचार खत्म होते हैं, उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को पता होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से इसे देख लीजिए, अगर कोई नया बच्चा है तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं हमारे, फ्री भी हैं और पेड भी हैं, तो इनके बारे में भी आपको जरूर पता होगा दोस्तों। खासतौर पर HPS का ऑफलाइन बैच है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसमें भी अगर आप चंडीगढ़ आए तो यहाँ पर आकर उसमें एडमिशन ले सकते हैं। खासतौर पर मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा आपको, ठीक है, कि मैं यहाँ पर खासतौर पर बोलूँ, मुझे मेरा भी लगभग एक्सपीरियंस 10 साल से ज्यादा का हो गया, तो खासतौर पे क्योंकि हिमाचल से जब भी कोई स्टूडेंट आते हैं ना, तो होता क्या है, या हिमाचल की नहीं मैं बात करना चाहूंगा, किसी भी स्टेट से, तो हम जब सिविल सर्विस की बात करते हैं तो हम जो है UPSC की तैयारी करते हैं, या फिर स्टेट सिविल सर्विस को ज्यादातर जो है इंस्टीट्यूट में क्या होते हैं वो बोल देते हैं कि भाई UPSC जैसे ही तो तैयारी है आपकी स्टेट सिविल सर्विस की, हिमाचल जी के आपको अलग से पढ़ा देंगे। लेकिन बहुत सारा फर्क है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है सिलेबस में, और जो उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस को छोड़कर अगर बात करूं तो इंस्टीट्यूट्स में ना सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, ज्यादातर सिर्फ प्री को लेकर, कहते जरूर है प्री को लेकर ही प्रेपरेशन की जाती है, मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसकी प्रेपरेशन कोई भी नहीं करवाता। तो मैं यही कहूंगा आपको कि जहां भी आप जाना चाहते हैं, चाहे आप सिविल सर्विस हिमाचल के पास आए या फिर आप किसी भी और इंस्टीट्यूट में हैं, या आपका कोई फ्रेंड है एडमिशन लेना चाहे, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और इसीलिए हमने एक्सक्लूसिव बैच है हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए रखे हुए हैं, हम इसमें UPSC मिक्सअप ही नहीं करना चाहते। और खासतौर पर आंसर मेन्स आंसर राइटिंग है, क्योंकि उसके बिना आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो उसके बारे में जरूर है, जहां भी आप एडमिशन लें तो जरूर पूछे। तो चलते हैं आज की रिविजन की तरफ, और जो है रिविजन से पहले जो है जल्दी से एक बार शेयर लाइक जरूर कर दें, और जो है अपने किसी भी तरह का अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, आप जो है नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ पर मोनिका लिख रहे हैं कि सर UPSC आसमान है, स्टेट सिविल सर्विस ओशंस है। हाँ जी ठीक है,
और हिमाचल के भी जो है विशाल जो है दोबारा से शुरू करेंगे, डोंट वरी, इकट्ठे करके मैं अलग से क्लासेस ही ले लूंगा। हाँ जी ठीक है, तो एनडीबी क्वेश्चन एस्टेब्लिश्ड इन 2000 नोट इन, हाँ जी मैं कमल इसको दोबारा से देख लूंगा, डोंट वरी, आपने लिखा है तो डेफिनेटली आप कर ही रहे होंगे। हाँ जी ठीक है, तो चलते हैं जो है हमारे जो दोस्तों जो है हमारे हमारे जो रिविजन की तरफ, ठीक है। और रिविजन से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, चाहे वो यूपीएससी हो दोस्तों, आजकल ना एग्जाम्स एक क्लेरिकल एग्जाम से लेकर, जैसे हम हिमाचल में पढ़ा रहे हैं जेओए का एग्जाम पढ़ा रहे हैं सब इंस्पेक्टर का, तो कोई भी एग्जाम आसान नहीं है, मैं तो ये बिलीव करता हूँ, चाहे वो आप सिविल सर्विस की बात करें चाहे किसी, बस बात इतनी है कि आपने वो तैयारी, आपको अच्छा कोई गाइडेंस करने वाला मिल जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है तो आपको कोई भी एग्जाम आप इजी है उसे क्रैक कर पाएंगे, आप में हौसला हो, ठीक है, आपके पास समय हो, आपको आपके घर वाले सपोर्ट करें, ठीक है, बहुत जरूरी है ये, आपका जो पेरेंट्स का जो सपोर्ट है, बाहर वाले कितना मर्जी लाग करते रहे, तो मैं जरूर चाहूंगा यहाँ पर अगर जो है आप अपने पिता माता पेरेंट्स को, मैं जरूर यहाँ पर जो है ये बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों का सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया जो कॉन्फिडेंस है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और ऑब्वियसली बात है तो कोई भी जो एग्जाम है आप प्राप्त है उसे अचीव है दोस्तों क्लियर कर सकते हैं, और नहीं तो मुश्किल सब कुछ है दोस्तों, शाम को अपने घर में बैठ के साथ में चाय रख के शाम को सिविल स्टेप हिमाचल की एक क्लास देखना भी बहुत मुश्किल है, और आसान देखें, और आसान देखें तो दोस्तों अगर आपने करना है तो जो जितनी मर्जी जो बड़ा टारगेट ले लें, यूपीएससी ले लें, आईआईटी ले लें, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, सब कुछ फिर आसान है, तो ये जरूर है, इसका ध्यान रखें। और जो है पहला क्वेश्चन है हमारा जो इंडिया और यूएई ने दोस्तों स्टार्टअप ब्रिज है उसकी शुरुआत की है ताकि बिजनेस में दोनों देशों को फायदा हो सके। फिर जो स्टेट ऑफ इनक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट है जिसको जो है हमारे प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन विवेक द्रोही जी ने रिलीज किया। फिर तीसरी जो न्यूज थी वो पॉप एयरपोर्ट एयरपोर्ट की थी, जो कि खास तौर पे दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट सेट हुआ जो कि ड्रोन्स और फ्लाइंग कार्स के लिए होगा, फ्लाइंग कार्स जिसमें आप चंडीगढ़ है अप डाउन किया करेंगे किसी दिन। फिर जो है नेक्स्ट न्यूज है हंसा एनजी भारत का पहला इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इसके सभी तरह के टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पहली जो है दोस्तों भारत की इंडिया और नेवी और डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है दोस्तों, भारत की पहली नेवल एंटी शिप मिसाइल जिसको कि 42 भी हेलीकॉप्टर से है टेस्ट किया गया। फिर उसके बाद असम राइफल, एक्सिस बैंक और नाइडो ने मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नागालैंड में स्थापना की है। जम्मू कश्मीर है भारत का पहला बर्ड फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज करेगा। पुरी का हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है दोस्तों न्यूज में है, वहां की गवर्नमेंट और एएसआई के बीच विवाद हो गया। फिर आईसीपीएफ ने है लड़कियों की एज जो इंक्रीज की है उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। पेंगोंग लेक के बारे में बात की है, वहां पर एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कर रही है चाइना की आर्मी। और एनडीबी ने है अपना एक रीजनल सेंटर है गुजरात में है खोलने की दोस्तों घोषणा की है, ताकि भारत में और बांग्लादेश में चलने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर नजर रखी जा सके। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है, सब कुछ अच्छा लगा होगा, आपने कुछ विचार जरूर दिया कीजिए, अच्छा लगता है जब आप कुछ लिखते हैं, काफी दिन से पढ़ा नहीं है, ठीक है। और साथ ही जो साथ है सेशन को शेयर लाइक जरूर करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।